नई दिल्ली के कोचिंग संस्थान में तीन छात्रों की मौत के बाद पटना डीएम एक्शन में दिख रहे हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की जांच का आदेश दिया है। पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का गठन किया गया है। इस जांच टीम में 6 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष इस डीएम को बनाया गया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सीओ, बीओ और क्षेत्र के थानाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। ये टीम कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही फायर सेफ्टी, एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कैसी है, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही इमरजेंसी हालात से निपटने की व्यवस्था की भी ये टीम जांच करेगी। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में बड़ा हादसा सामने आया और इस हादसे को सबक लेते हुए लगातार अब इसका एक्शन जो है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है, पटना में भी देखने को मिल रहा है। और पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का जो गठन है वो किया गया है। डीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की जांच का आदेश दिया है कि फायर सेफ्टी को लेकर के, बाकी वहां पर जो इक्विपमेंट से सेफ्टी से जुड़े हुए और वो किस मानक पर खड़े उतर रहे हैं। और इस जांच टीम में 6 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष इस डीएम को बनाया गया है, जिसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारी होंगे, सीओ, बीओ और क्षेत्र के थाना अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। और ये टीम कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर के सुरक्षा मानक क्या क्या है उसकी जांच की जाएगी। बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही फायर सेफ्टी, एंट्री एग्जिट कैसे हो पा रही है, इमरजेंसी अगर कोई हो जाए तो कैसे में छात्रों को सुरक्षित रखा जाए, उनको निकाला जा सके, इन तमाम चीजों की जांच छानबीन जो है वो की जाएगी। साथ ही इमरजेंसी हालात से निपटने की व्यवस्था की भी टीम जांच करेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।